हम यहाँ से निकल रहे हैं महाबलेश्वर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। बंदा ऐसा भागा ऐसा भागा मेरे भाई को देख के। आमिर भाई ने ये सजेशन दिया कि यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तो गोवा चलते हैं, क्योंकि आमिर भाई अपने जवानी के दिन Assalamualaikum everyone, this is Yazdan, we are back again with another new video. आज हम जाने वाले हैं कोई अच्छी डेस्टिनेशन पे, उसका नाम है महाबलेश्वर। जिंदगी में पहली बार महाबलेश्वर जा रहा हूँ, इतने साल हो गए पुणे में, पुणे से बहुत करीब है महाबलेश्वर, टूरिस्ट स्पॉट है। संडे है आज, दोस्तों के साथ प्लान बनाया वन डे रिटर्न का वहाँ पे जाने का, तो वहीं पे जा रहे हैं अभी। अभी आमिर भाई के ऑफिस में जाना है, वहाँ पे अपनी ये जो ये गाड़ी है ये गाड़ी खड़ा देंगे और आमिर भाई की बड़ी वाली गाड़ी में हम सारे मोटे मोटे लोग बैठ के जाएंगे महाबलेश्वर अल्हम्दुलिल्लाह। दीन की बात करेंगे, एंजॉय करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, खाना खाएंगे और मस्ती करेंगे बहुत सारी। चलिए चलते हैं, होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा और लाइक ज़रूर कर दिया करो यार। थोड़े भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं हमारी, तो कर लो यार। हैं चलिए। सो गाइस रब्बानी भाई को लेने आ गए हैं, देखते हैं रब्बानी भाई। अरे माशाल्लाह, अरे अरे ये क्या बांधा है सर पे, ये मैं बांधूंगा आपके। अस्सलाम वालेकुम, आप खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। चलो माशाल्लाह, चश्मा तो भाई गुच्ची का, भाई ब्लैक कलर शॉल नहीं लिए लिए। इस भाई को आज रील बनाने की एकदम ऐसा नहीं किया, बहुत नीचे है ना ये, तो सेडान है ना गाड़ी। सो गाइस ये देखिए हमारे आमिर भाई, माशाल्लाह तबारक अल्लाह। भाई आज तो आप एकदम ऐसा, अस्सलाम वालेकुम, तो क्या बात है क्या, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, काली काली गाड़ी, काले काले मुंडे। भाई आज तो फुल एकदम आप है, लग नहीं रहे आप चार बच्चों के बाप। ये तो लेटेस्ट न्यूज है यार, आज लेके एकदम एक्सपोज करने पे तुला हुआ है। भाई मोहम्मद का है, मोहम्मद से तो मिला हो यार, घर पे है ना वो, बाहर ऊपर से दिख रहा है ये टैग। ये काम कब से करने लग गए, अपन करेंगे तो कैसा चलेगा टैग वाले काम। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं महाबलेश्वर के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, बिस्मिल्लाह तवक्कल तो अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मोमिनो, किसी गैर मजहब के आदमी को अपना राजदार न बनाना, ये लोग तुम्हारी खराबी में किसी तरह की कोताही नहीं करते और चाहते हैं कि जिस तरह हो तुम्हें तकलीफ पहुंचे। इनकी जबानों से तो दुश्मनी जाहिर हो ही चुकी है और जो कीने इनके सीनों में मख्फी हैं वो कहीं ज्यादा हैं। अगर तुम अक्ल रखते हो तो हमने तुमको अपनी आयतें खोल खोल कर सुना दी हैं। देखो तुम ऐसे साफ दिल लोग हो कि इन लोगों से दोस्ती रखते हो, हालांकि ये तुमसे दोस्ती नहीं रखते। तो गाइस ये रहे हमारे जूबी बाबा चर्च के पास। अस्सलाम वालेकुम। अरे अरे माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। तो भाई कितना टाइम लगेगा महाबलेश्वर जाने में? यहाँ से 130 किलोमीटर यहाँ से। अच्छा अभी हम कोंडवा में, कोंडवा कैंप में है। और महाबलेश्वर आप सब कितनी बार गए हो? बहुत मीन्स 1, 2, 3। अच्छा आपकी जवानी पूरी महाबलेश्वर में? भाई मतलब भाई अब्दुल्ला भाई आप कितनी बार गए हो? आपकी भी जवानी महाबलेश्वर जवान है, वही है ना, एक तो महाबलेश्वर ही अच्छा है, तो लोनावला पुणे के लोग तो गिनती बोलोगे तो नहीं कर पाएंगे। सही बात है। मिस्टर रब्बानी एंड मिस्टर जूबी, व्हाट अबाउट यू गाइस? काफी टाइम जा चुकी है। अच्छा इतना स्लो? वो हमारे जुबैर भाई फोन पे लगे हुए, क्या हो गया उनको? उनका फोन ले लो वाला भाई, उनका फोन ले लो। फोन ले लूंगा वाला, आ गया पहले बोल रहा भाई, दादागिरी करेगा मेरे साथ, दादागिरी करेगा। सो गाइस बात करते करते हमारा प्लान बना था कि हम गोवा जाएं, मतलब आमिर भाई ने ये सजेशन दिया कि यहाँ से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा
तो गोवा चलते हैं, है ना, महाबलेश्वर की जगह, क्योंकि आमिर भाई अपने जवानी के दिन आमिर भाई ने सजेशन दिया चलो गोवा चलते हैं, मशवरा किया हमने, तो हमारी टीम में से एक जो हमारे भाई हैं उनको नहीं चल रहा है गोवा में, मतलब उनको वो नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, अभी महाबलेश्वर ही जा रहे हैं। गोवा जाएंगे तो फिर वो क्या बोले अभी उनके नहीं जा सकते समझ जाइए थोड़ा सा, जूबी बाबा को देख के समझ सकते हैं कि वो कौन शख्स थे, कौन शख्स था ये क्या बात, ये क्या बात करता है यार जूबी बाबा भी खुश हो गए, अरे अच्छा हो गया, नहीं क्या बोले बहुत मजा आता था मेरे घर पे मजा आता था मैंने। सो गाइस अभी भी हमें भाई आई थिंक 2 घंटे लगने वाले ना शायद, है ना, और ये देखो हमारे अब्दुल्ला भाई, वो इनकी लात है ये, अरे भाई साहब टोपी वीपी निकाल के मस्त भाई, हमारे थोड़ा थक गए थे बहुत ज्यादा ट्रैवल करके आए ना भाई, है ना, गुजरात गए थे, गुजरात गए थे वो थोड़ा सो गए आराम से। जो लोग माल में जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया है बुखल करते हैं, वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा ना समझें, वो अच्छा नहीं बल्कि उनके लिए बुरा है, वो जिस माल में बुखल करते हैं कयामत के दिन उसका तौक बनाकर उनकी गर्दनों में डाला जाएगा, और आसमानों और जमीन का वारिस अल्लाह ही है, और जो अमल तुम करते हो अल्लाह को मालूम है। हम पंचगनी पहुंच चुके हैं और राइट साइड में वहाँ पे पैराग्लाइडिंग, भाई देखो वहाँ पे लोग झूले झूल रहे हैं भाई, बहुत छोटा सा दिख रहा होगा, तो हमें नमाज पढ़नी है जोहर की, पहले लंच कर लेंगे, हाँ उसके बाद नमाज पढ़ लेंगे, नमाज पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद बाकी का साइट सीइंग करेंगे। अब यहाँ पे वो टोल वाला कोई सिस्टम है ही नहीं, ठीक है, वो ऐसा टोल सबसे वसूल कर रहे हैं, तो पीछे भाई ने, जुबैर भाई है ना, इधर से खिड़की खोली और आमिर भाई बोले देखो पीछे नहीं देख रहा है क्या तुम्हें, कौन बैठा है पीछे, जुबैर भाई बैठे पीछे, जुबैर भाई, भाई वो बंदा ऐसा भागा, ऐसा भागा जुबैर भाई को देख के अरे बाबा आमिर भाई बोले तुम्हें देखा नहीं क्या पीछे कौन बैठा है, जुबैर भाई बैठे आमिर भाई कोई भी पंचगा नहीं आएगा जुबैर भाई का नाम लेने का, जुबैर भाई का आदमी है मैं भगवान जी मस्जिद में आ गए, जगह है ना ये, जामा मस्जिद है, पंचगनी की जामा मस्जिद है ये, और यहाँ पे अभी हम नमाज पढ़ेंगे और आगे जोहर की। चलिए ये है पंचगनी की जामा मस्जिद, माशाल्लाह तबारकअल्लाह, लो जी वुज़ू हो गया हमारा माशाल्लाह भाई, मस्जिद बहुत प्यारी है, प्यारी मस्जिद है, वुज़ू किया ना, गर्म पानी जाना एकदम जबरदस्त, अरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। A few moments later. आमिर भाई, अब्दुल्ला भाई अभी कहाँ जाने वाले? लंच के लिए इंशाल्लाह। दिल्ली दरबार, जाफर भाई। Guys, अभी हमारे अब्दुल्ला भाई राइड करेंगे, ड्राइव करेंगे, और आमिर भाई पीछे चले गए। महाबलेश्वर से ज्यादा मेरे को पंचगनी नहीं पसंद है। अच्छा जी। यहाँ पे ना पोल्यूशन बहुत कम है, वहाँ जब पोल्यूशन भी ज्यादा है वहाँ पे बहुत रश होता है। अच्छा। पब्लिक बहुत ज्यादा जाती है वहाँ पे ना, तो उससे सुकून का यहाँ पे ही है ऐसा, और ऊपर और भी रश रहेगा। हाँ रश रहेगा, बहुत पब्लिक ज्यादा होती है ना, गाड़ियां भी बहुत ज्यादा होगी। दिल्ली दरबार जा रही है, चलिए चलते हैं। इस तारे जमीन मूवी अगर आपने आमिर खान की देखी है, हालांकि हमने अभी दौरे जहालियत में देखी है हमारी, तो उस मूवी में जो स्कूल था वो यहाँ पे है, ऐसा अब्दुल्ला भाई बता रहे हैं। आमिर भाई को गुस्सा आ गया, डालता क्या बोलना, बस इतनी बड़ी रोड छोड़ गए। अरे अरे आमिर भाई गए भाई, आमिर भाई गुस्सा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे आमिर भाई, कुछ नहीं करेंगे, कर देखो देखो कुछ भी मत बोलो तुम, देखो उनको उनको चढ़ गए बस में चढ़ गए आवाज आ रही भाई, आवाज आ रही, बैकिंग के लिए जाना पड़ेगा लगता है ली हिली भाई, बस हिल गई आमिर भाई के कहने से माशाल्लाह। अरे हाँ आमिर भाई दिखे नहीं रहे, अरे सही में नहीं दिख रहे, ओ भैया ओ भैया आमिर भाई बोल रहे होंगे तू भाई निकल नीचे मैं ही चलाता हूँ भाई, आमिर भाई आज ट्रैफिक पुलिस बन चुके हैं भाई, अभी गाड़ी में नहीं बैठेंगे जब तक बस नहीं निकलेंगे, तब तक गाड़ी के अंदर नहीं आना। अरे शेख जज़ाकअल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आपने कितने लोगों की भलाई कर दी यार, भलाई का काम किया। एज बहुत ये था ना शार्प था ना नीचे,
अच्छा गाड़ी, गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है और अभी इतना दूर है हमारा होटल जाफर भाई दिल्ली दरबार, वहाँ पे लंच करेंगे चलते हैं। कितनी ज़्यादा भीड़ है, कब से हम वेट कर रहे हैं बट अभी तक हमारा नंबर नहीं आया। रब्बानी भाई आपको पहले ये वाला टेबल बोला फिर वो वाला, क्या चल रहा है ये? लिस्ट के हिसाब से देते ना भाई। अच्छा अपना नाम इनके बाद में था क्या? तो जी फाइनली जगह मिल गई है बट ये टेबल साफ नहीं है, टेबल साफ होगा फिर उसके बाद हम यहाँ का लुफ्त उठाएंगे खाने का। हाँ करी टिक्का मसाला। तो जी पापड़ आया अभी भाई, पापड़ कैसा है? नहीं टिक्का मसाला आ चुका है और यहाँ का सबसे फेमस डब्बा गोश और ये निहारी, और खाना खाने के बाद आपसे मिलते हैं। दिखाना भाई निहार डब्बा, ये डब्बा गोश्त मतलब ये है क्या, मतलब बकरे का है? अच्छा कीमा ही होता है ये, थोड़ा मोटा वाला कीमा है ऐसा। फिरनी खा रहे हैं हम, चांदी की फिरनी। माशाल्लाह। और भाई कैसा है खाना? माशाल्लाह अच्छा है। ये फिरनी कैसी है? हमने कम से कम 3 घंटे तो खाना खाने में लगा दिए आराम से, और अभी बच चुके हैं, अभी असर का टाइम हो चुका है और असर का टाइम अभी हम पंजगनी में ही हैं, असर के हम जोहर से लेके असर तक पंजगनी में, अभी कब जाएंगे ऊपर मुझे नहीं पता। छोड़ के जा रही है लोग भाई, छोड़ के क्यों जा रहे हो यार? अरे 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 हमें बहुत नीचे जाना पड़ेगा। रब्बानी भाई बैठो। वैसे ये देखिए ये है मस्जिद, माशाल्लाह कितनी ब्यूटीफुल मस्जिद है। ये हम है पंजगनी में एंड यहाँ पे नमाज़ पढ़नी है हमें असर की, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी प्यारी मस्जिद है। रोड बहुत छोटी है बट मस्जिद बहुत प्यारी है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई लोग उतर रहे हैं, पता नहीं आज हम महाबलेश्वर जा भी पाएंगे या नहीं। सो गाइस व्हाट डू यू गाइस थिंक के महाबलेश्वर आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जनता जानना चाहती है। जाएंगे इतनी दूर आएंगे तो जाएंगे ना, चाहे रात में जाएंगे बट जाएंगे। ये एंट्रेंस है मस्जिद की, यहाँ पे अंदर क्लासेस चल रही हैं, बच्चों की तरबियत हो रही है, वुजू खाना है। A few minutes later. लास्ट टाइम मैं यहाँ आया था महाबलेश्वर में नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स से, तो उन्होंने इतने सारे मुस्लिम को देख के एक सवाल पूछा मेरे को। अच्छा कि भाई यहाँ पे इतने सारे मुस्लिम क्यों है, यहाँ पे मुगल राजा का कुछ ये था क्या? अच्छा मतलब ये इलाके में इतने मुस्लिम्स क्यों हैं? मुस्लिम्स होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स। हाँ मुगल राजा का कुछ ये था क्या बोले? हाँ मैंने कहा तुमको किसने कहा कि मुगल जहाँ पे उन्होंने उनकी औलाद मतलब मुस्लिम ही आते। हाँ और वैसे भी मुगलों का कोई कंसेप्शन है लोगों के, कुछ है भी नहीं मुगलों का कुछ लेना देना इस्लाम से, दिमाग में मतलब लोगों के दिमाग में बैठ गया था ये। हाँ लोगों ने सुन के ईमान लेके आया, ईमान की अच्छाई को देख के ईमान लेके आया। सही बात, इस्लाम की अच्छाई को देख के। और मुगलों की वजह से कोई ईमान नहीं लेके आया? जो 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 इतने बड़े बड़े जो हजरत हैं जिन्होंने दावत तबलीग किया है, जो काम किया है दावत का, उनकी वजह से और इस्लाम की अखलाक की वजह से इस्लाम। तो मैंने उनको वही समझाया कि इस्लाम आपको और एक इनको मिसकंसेप्शन और एक है कि इस्लाम तलवार के नोक पे आया। हाँ अगर तलवार के नोक पे इस्लाम आता तो 700 साल हुकूमत किया था हिंदुस्तान पे मुगलों ने, 700 ईयर्स, तो छोटे नहीं होते। उनके मन में आता तो एक महीने में पूरा सबको ये कर देते हो। सही बात, ठीक है तो वैसा नहीं आया इस्लाम, सिर्फ उसका प्यार मोहब्बत और प्यार मोहब्बत से और ये सब चीजों की वजह से आया था। सही बात। अब ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, तो उठना है। अरे जॉन इब्राहिम देखो हमारे, ओए हाय 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 क्या बात है माशाल्लाह, जबरदस्त है भाई जुल्फे आपकी माशाल्लाह। बस एक महीना और उसके बाद नहीं दिखेंगी ये जुल्फे? नहीं अभी उम्रा करेंगे ना। हमने इतनी ज्यादा भीड़ है आज, इतनी ज्यादा, ये देखो आगे तक गाड़ियां ही गाड़ियां दिख रही हैं। सो गाइस ये कौन सी जगह है? ये मैपल गार्डन है, मैप्रो गार्डन। अच्छा ये मैप्रो गार्डन है बाजू में। भीड़ लगी भाई, इतनी भीड़ थी, इतनी ज्यादा कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं। कब से खड़े हम पीछे ट्रैफिक में, डिस्काउंट में मिलता है ना, लोग पेटियां भर भर के कंधे पे लेके जाते हैं, जैसे कभी मिलने ही वाले वाला ना। पर मिलता क्या मैप्रो में? फ्री में मिल रहा था सामान सब कुछ, जूस वगैरह सब मिलते। अच्छा जूस वगैरह, क्रश वगैरह पूरा। क्रश मतलब क्या होता है? क्रश एक चीज, एक क्रश मुझे पता है पर बाकी ये कौन सा क्रश? पल्प लेता नहीं कैसे कोई भी जूस का? अच्छा जी, मतलब सारा
बीमार करने वाला सामान मिलता है इधर, सब इधर। सो गाइस मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप मीठा मीठा सामान लें, ठीक है? इतना मीठा नहीं खाना चाहिए। पति लोग सब सर के ऊपर बॉक्स लेके जा रहे हैं और उनके औरतें पैदल चल रही है और सब पर हस्बैंड लोग सर पे बड़े बड़े बॉक्स लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। इतना इतना मीठा मतलब। और ये देखो भाई फिर से लग गई भीड़। अभी नमाज पढ़ने के लिए आए। अच्छा तो आज हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। अच्छा ये मस्जिद है, नमाज रूम है। अरे माशाल्लाह क्या बात है, होटल में नमाज रूम भी है। गाइस ये है मस्जिद गार्डन आइसक्रीम महाबलेश्वर में। आपको मस्जिद मतलब अगर आप कहीं ट्रैफिक में फंस जाओ तो नमाज के लिए आपको यहाँ पे मस्जिद भी मिल जाएगी, खाने के लिए भी मिल जाएगा और रहने के लिए भी मिल जाएगा। अगर आपने तनवर फैमिली का नाम ले लिया, तनवर तनवर टीस टू तनवर अब्दुल्ला तनवर रब्बानी तनवर, इनका नाम लिया और बोला कि हम इनके कहने पे आए हैं तो आपको डिस्काउंट भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। तो गाइस गार्डन आइसक्रीम की ये थी मस्जिद जो जहाँ पे हमने अभी नमाज पढ़ी, ठीक है? और यहाँ से ये सारे के सारे रूम्स हैं और ये भी रूम्स हैं और ये कॉटेज है, प्राइवेट कॉटेज जिसको चाहिए। तो प्रॉपर्टी बहुत अच्छी आई थिंक है ना, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। डिस्काउंट चाहिए तो अब तनवर फैमिली का नाम लीजिए। यहाँ से ये है इनका रेस्टोरेंट, ये देखो यहाँ से रोड निकलती है जो इनके स्ट्रॉबेरी के बाग भी है माशाल्लाह। अच्छा ये सारे बाग हैं इनके। अच्छा वो वाले, वो पीछे वाले, ओके ओके माशाल्लाह। ज़बरदस्त है यार मौसम, ज़बरदस्त हो गया नहीं इसके ऊपर। अच्छा पूरा दो फ्लोर का है। देखिए वहाँ से हम निकले और ये है रेस्टोरेंट इनका माशाल्लाह, रेस्टोरेंट भी काफ़ी बेहतरीन है। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत फेमस है, आप खाइएगा ज़रूर जी। ये है यहाँ के चीज़ कॉर्न, चीज़ नहीं खाली कॉर्न, कॉर्न खाली कॉर्न है, सिर्फ कॉर्न पकौड़ा, कॉर्न पकौड़ा खा के देखते हैं कैसा है माशाल्लाह। भाई ट्राई करो पकौड़ा कैसा है, कॉर्न पकौड़ा जी। देखिए माशाल्लाह बिस्मिल्लाह सबको कैपिटल में। हमें भाई ओके लो जी भाई, दो बनाए गए हो। ये है हमारी स्ट्रॉबेरी जी, सबके गिलास आ चुके हैं, उठाओ जी लीजिए लीजिए सर। माशाल्लाह इतनी फ्रेश स्ट्रॉबेरी है, इन्होंने पीछे अपने खेत से ही निकाली है माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा जो ये मिल्क शेक है या जो भी है स्ट्रॉबेरी शेक पिया है, बहुत ज़बरदस्त। ये नीचे तक पूरी क्रीम है आइसक्रीम। अच्छा आइसक्रीम भी है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। गाइस सबने अपना लुक चेंज कर लिया है बिकॉज तापमान बहुत बढ़ चुका है। ये हजरात को पहचानिए कौन है, कमेंट कीजिए कौन है। भाई दिखाइए अपनी शक्ल, दिखा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भाई साहब को बहुत ठंडी लग रही है, हमारे जूबी भाई को, क्योंकि पकौड़े खा के डिकार पे डिकार चल रहा है भाई का। और ये पठान माशाल्लाह। अरे आपको क्या हुआ? अरे व्हाट हैपेंड टू यू जूबी बाबा। सो गाइस ये जो इधर साइड में देख रहे हो आप, ये वैना लेके है जो अंधेरे में आपको पूरी काली काली दिख रही है। इसके लिए आपको आपकी मन की आंखों की इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसा आमिर भाई थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। आमिर भाई यहाँ पे लेट चुके हैं। बाल दिखा रहे हैं आमिर भाई के। आमिर भाई क्या है ये बाल दिखा रहे हैं क्या? ये यहाँ पे झूले विले लगे ले। लो जी रेड बटन गो कार्टिंग आ चुके हैं माशाल्लाह। लाल बटन, यस ओके जी, लाल बटन होता है इजेक्ट का। भाई ये महाबलेश्वरी है ना कि पंचगनी है? ये महाबलेश्वर है ना। तो ये है गो कार्टिंग का ट्रैक, अभी टिकट लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह ये ट्रैक है। एक ही राउंड मिलता है क्या मारने? फोर लैप्स, तो अपन साथ में जाएंगे रेस लगाएंगे। चलो आज सबकी ड्राइविंग पता चलेगी हमारे आमिर भाई। ये है अपनी गाड़ी आमिर भाई, आप ये पिंकी ले लो। आप बोल रहे थे ना फास्ट है ये। लो जी बैठ गए सारे माशाल्लाह, रेस लगेगी हम सबकी।
और भाई माशाल्लाह देखो ये देखो कैसी थी भाई। अरे अरे जूबी बाबा से निकला नहीं जा रहा, अरे जूबी बाबा से निकला नहीं जा रहा, अरे अरे उठाओ, अरे जूबी बाबा को उठाओ, अरे जूबी बाबा को उठाओ, उठाओ उठाओ। क्या करने का, एक्सेलेरेटर पकड़ के रखना, ब्रेक मार के टर्न मारते थे। गाइस कैसी लगी ड्रिफ्टिंग? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह आगे नहीं। लो जी दोबारा हम वहीं पे आ गए जहाँ पे हमने जहर की नमाज पढ़ी थी पंजगनी में। तो अभी जहर यहाँ पे ईशा की नमाज पढ़ के डायरेक्ट घर है ना। 15 minutes later. अभी हम चाय पीने जा रहे हैं। Going for chai. यहाँ ये चाचा है, बहुत पुराने चिक्की वाले। पंचगनी, पंचगन सेंटर, चिक्की। चिक्की वाले चाचा है ये। चिक्की वाले चाचा है सबसे। ये चाचा है वो। ये चाचा है। अगर आपको चिक्की लेनी है पंचगनी में तो ये वाली शॉप पे आके लीजिए। चना भी मशहूर है। जी ये है यहाँ के फेमस चने माशाल्लाह। माँ गरम माशाल्लाह। घर के लिए ले लूँगा मैं। सब ले लेंगे अपन एक एक, घर वालों के लिए नहीं। माशाल्लाह बस बस बिस्मिल्लाह। रोज की चिक्की है क्या? बिस्मिल्लाह। ये देखो कहाँ गए? ये देखो भाई। अरे खा के देखो काजू। रोज वाली मस्त है। नहीं नहीं ये अलग है। अरे काजू वाली आज हम बहुत ज़्यादा लेट निकले थे सुबह और उसकी वजह से महाबलेश्वर तक नहीं पहुंच पाए जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। खाते खाते इतना टाइम लग गया, खाने में भीड़, जाने में भीड़, फिर उसके बाद ऊपर लेक तक पहुंचे थे। और कौन सी लेक थी भाई वो? वेना। वेना लेक तक पहुंचे। फिर उसके बाद हम वहाँ से आइसक्रीम खाए थे। हम कौन से गार्डन में? गार्डन आइसक्रीम में गो कार्टिंग किया। फिर उसके बाद नीचे आए पंजगनी में, हमने चने लिए चाचा के, है ना। फिर उसके बाद हमने वहाँ से ये भी लिया था चिक्की, चाय पी पंजगनी में। और बहुत ज़बरदस्त भाई वहाँ पे माहौल। स्ट्रॉबेरी भी ली वहाँ से और फिर वहाँ से हम नीचे रिटर्न आ गए। तो अगर आप कभी भी वीकेंड्स पे जा रहे हैं तो सुबह में जल्दी निकलें, ठीक है। और वहाँ पे जाके अगर आपका स्टे का प्रोग्राम है तो कोई मसला नहीं है, बट अगर वन डे का प्रोग्राम है तो सुबह जल्दी जाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप जल्दी जाके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। और अगर आप वीकडेज पे जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, राइट। और जाफ़र भाई दिल्ली दरबार में आप डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। पंजगनी में भी अच्छे खासे होटल्स हैं। और अगर आपको स्टे करना है तो आप डेफिनेटली यू गाइस कैन कंसीडर क्या था, गार्डन आइसक्रीम जो महाबलेश्वर में ऊपर है। लो जी पहुंच चुके हैं अब्दुल्ला भाई के घर पे। यहाँ से अपनी गाड़ी उठाएंगे, गाड़ी लो, गाड़ी भी उठाएंगे, सामान भी उठाएंगे और फिर गाड़ी में लोड करेंगे सामान। सो गाइस आमिर भाई बहुत ज्यादा थक चुके हैं। आमिर भाई ओके, यू फाइन? चलो चलते हैं, अभी चले। जजाकल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप तो मेरे साथ ही जा रहे हो? अब्दुल्ला चलो अब्दुल्ला भाई, इंशाल्लाह मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।